हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूँ सागर और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ निफ्टी और कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो कि अगले हफ्ते अच्छे खासे मोमेंटम में देखने को मिल सकते हैं। और अगले हफ्ते निफ्टी किस तरीके से कारोबार करता हुआ दिख सकता है, जिस तरीके से निफ्टी में बुलिश मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं हम फिर से 12,000 की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपको अगले हफ्ते 12,000 देखने को मिलेगा या फिर सितंबर सीरीज में 12,000 के दर्शन होने वाले हैं? तो ये सारी चीजें हम चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट एक अच्छी खासी ट्रेंड के साथ अपर साइड में चलता हुआ दिख रहा है। 200 डीएमए के ऊपर काम काज कर रहा है, इवन सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये स्टॉक काम काज करता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी 5 डीएमए, 20 डीएमए, 50 डीएमए या फिर आप बात करें 200 दिन के एवरेज के, सभी दिन के एवरेजेस के ऊपर कारोबार कर रहा है। और अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग जो है पिछले लगभग फरवरी के बाद से 11,647 के लेवल पे देखने को मिल रही है। लगातार जो निफ्टी है वो एक हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन पे काम काज करता हुआ आपको दिखाई देगा। लगातार आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि ये बिल्कुल भी करेक्शन, और जैसे जैसे अब इसकी हाइट बढ़ते जा रही है निफ्टी की, करेक्शन उतना ही कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे खासे लेवल के साथ जो है निफ्टी कामकाज करता हुआ दिख रहा है। तो अब कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, कहाँ सपोर्ट होगा और क्या टारगेट बनते हुए दिखाई दे सकते हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें तो निफ्टी में जो पुराने कुछ गैप बचे थे वो सारे गैप लगातार जो निफ्टी है वो फिल करता हो जा रहा है। देखेंगे आप यहाँ पे जो 10,172 से 10,400, फिर आप देखेंगे यहाँ पे 10,840 से लगभग 10,770 के आसपास का एक गैप था, फिर एक 11,200 से लेके 11,000 के आसपास का कुछ गैप था, और अब फाइनली जिस गैप को इसने फिल किया निफ्टी ने वो 11,550 से लेकर के जो 11,423 के आसपास का गैप बचा हुआ था वो गैप भी फिल हो गया। और जो अब नेक्स्ट गैप बचा हुआ है वो कहीं ना कहीं 12,077 के आसपास आता हुआ दिखाता है, 12,000 से 12,077। तो दोस्तों ये जो होगा निफ्टी के लिए एक अच्छा खासा टारगेट हो सकता है, और अगले हफ्ते या फिर अगले कुछ कमिंग वीक्स पे आपको ये लंबे टारगेट देखने मिल सकते हैं। रही बात करेक्शन की, तो दोस्तों यहाँ पे 11,500 एक स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में कामकाज कर रहे हैं। लगातार पिछले कुछ दिनों में आपने देखा बैंक निफ्टी में या दूसरे इंडेक्सेस में अच्छे खासे मोमेंटम आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन निफ्टी की जो चाल है वो थोड़ी स्लो होती जा रही है। रेंज जो है निफ्टी की वो छोटी होती जा रही है, थोड़े छोटे छोटे रेंज में लगातार निफ्टी अपसाइड में जाने की कोशिश कर रहा है। अब वो बड़ी कैंडल बनना बंद हो गई है जो कि पहले आपको बनती हुई दिखाई देती थी ऊपर या नीचे के साइड पे। तो कहीं ना कहीं अब निफ्टी में थोड़ा सा रुझान जो होगा वो कम होगा, तो आपको इंटेंसिटी जो है निफ्टी में तेजी की वो ज्यादा नहीं दिखाई देगी, लेकिन बैंक निफ्टी या दूसरे इंडेक्स जो है आपको अच्छा खासा आउट परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं। टारगेट की अगर हम बात करें तो 12,000 के आसपास का जो है आप देखेंगे, उससे पहले जब 2019 के अंत और 2020 की शुरुआत में 3-4 महीने तक जो बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है वो आपका 12,300 से लेके 12,000 के आसपास कामकाज करता हुआ आपको दिखाई देगा, और इस रेंज में बहुत से लोगों की जो है एवरेजेस बनी हुई है। यानी कि ये एक ऐसा लेवल है जहां पे बहुत से लोगों ने जम के खरीदारी की थी। यानी कि जब कभी भी निफ्टी में वापस 12,000 के आसपास का लेवल आएगा तो आपको वहां पे थोड़ी सप्लाई देखने को मिल सकती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे एकदम से जोरदार पूरा का पूरा क्रैश आ जाएगा, डबल टॉप बन जाएगा, मार्केट फिर से नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, 12,000 के आसपास डेफिनेटली सप्लाई देखने को मिल सकती है। हालांकि अब इंडेक्स मैनेजमेंट चलता हुआ दिख रहा है तो बहुत से ऐसे स्टॉक्स है जिसके भाव 12,000 के आने के बावजूद भी नहीं आएंगे, लेकिन बहुत से ऐसे स्टॉक है जिनको जिनके जो भाव है वो 12,000 के पार निकलते हुए दिखाई दे। लेकिन अगर हम बात करते हैं RSI पे, तो RSI पे अभी आपको जो लेवल देखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं 71 का लेवल जो है निफ्टी में देखने को मिल रहा है। यानी कि अभी भी कोई खास ओवरबॉट का संकेत नहीं, हालांकि ओवरबॉट के करीब आ गया, लेकिन ये लेवल 70, 75, 80 तक भी जाते हुए दिखाई देते हैं। और लगातार RSI पे जो निफ्टी का लेवल है वो ऊपर की तरफ डायरेक्शन लेता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं RSI में स्ट्रेंथ दर्शाती हुई दिखाई दे रही है RSI भी। और अगर हम MACD के लेवल पे बात करें तो MACD में भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को पॉजिटिव क्रॉसओवर देता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ से फिर से एक मोमेंटम अपसाइड में आपको देखने को मिल सकता है। अभी तक जो था वो थोड़ा कंसोलिडेशन का संकेत था MACD पे, लेकिन अब यहाँ पे भी आपको एक अच्छे खासे अपसाइड के संकेत देखने को मिल सकते हैं। तो
निफ्टी की जो ट्रेंड है वो आपको अभी भी बुलिश दिखाई दे रही है। यहाँ पे कोई खास करेक्शन की उम्मीद नहीं है जब तक कि मार्केट अपने 200 डीएमए लेवल या फिर 11,000 10,900 के आसपास का जो बेस है उसको डिसाइसिवली नहीं तोड़ देता। और जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा जो कि इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस बन रहा था, यानी कि हम 11,350 11,400 के आसपास जो पिछले महीने अटकते हुए दिख रहे थे वो अब यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। यानी कि वहाँ पर अगर मार्केट आता है तो आपको डेफिनेटली बाइंग सपोर्ट देखने को मिल सकता है। वहां पे बात करें सबसे पहले स्टॉक की जो कि अगले हफ्ते आउट परफॉर्मेंस करता हुआ दिख सकता है, तो दोस्तों पहला बैंक है वो आईसीआईसीआई बैंक, जिसमें आप देखेंगे इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था जहां पे ये स्टॉक पिछले 2 बार आया था और लगभग अटका था, एक बार अप्रैल में और एक बार लगभग लगभग जुलाई के महीने में, जहां पे 390 के आसपास के लेवल के आसपास ये स्टॉक अटका था। और कल डिसाइसिवली वहीं उसकी ओपनिंग के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी वहां से देखने को मिली, 400 के अहम लेवल को इस स्टॉक ने पार किया। अब इसके जो 200 डीएमए का लेवल आता हुआ दिख रहा है वो 423 रुपए के आसपास का है, तो कहीं ना कहीं अब इंतजार होगा कि क्या ये स्टॉक 423 के लेवल को पार करता है और उसके ऊपर जाने को करता है। क्योंकि अब जिस तरीके से बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है, पिछले अगर हम इसके चार्ट को अगर जूम करके देखने की कोशिश करें तो पिछले 5-6 दिनों में एक जबरदस्त रैली यहां बनती हुई दिखाई दी, कोई भी रेड कैंडल देखने को नहीं मिलेगी और हर एक कैंडल में मोमेंटम जो है वो पिछले कैंडल से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और किसी प्रकार कोई यहाँ पे सेलिंग का संकेत नहीं है। आरएसआई पे भी आप यहाँ देख रहे हैं जो मोमेंटम है वो 73 के आसपास देखने को मिल रहा है जो नंबर है आरएसआई का। एमएसईडी पे भी एमएसईडी लाइन लगातार बुलिश मोमेंटम दर्शा रही है और लगभग वो पिछले कई दिनों से क्रॉस ओवर हो चुका है, यानी कि ये डायरेक्शन का पॉजिटिव है और रिवर्सल के यहाँ फिलहाल अभी कोई संकेत नहीं है। और जिस तरीके से फ्राइडे के सेशन में ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन लॉन्ग की है इवन कि 2 दिन के मार्केट बंद होने के बाद यहां पे, तो वो कॉन्फिडेंस दर्शाता है कि यहाँ पे आपको और फ्रेश शॉर्ट कवरिंग और नई बाइंग होती हुई दिखाई देगी। जिस तरीके से फ्राइडे को जिस जैसे ही 390 के ऊपर ओपनिंग हुई उसके बाद एक अच्छी खासी बाइंग का मोमेंटम जो है आपको इस स्टॉक में देखने को मिला। अब इंतजार होगा कि 423 के लेवल को पार करके फिर ये कितना ऊपर जाता है, क्योंकि इसका जो 52 वीक हाई है वो ऑलमोस्ट 550 रुपये के आसपास देखने मिलते हैं। यानी ऊपरी लेवल से अभी भी स्टॉक में लगभग 22-25% का करेक्शन हो चुका है और नीचे अभी भी वो आपको अवेलेबल है इस लेवल पे। एक बहुत लंबा कंसोलिडेशन जो था वो आपको इस लेवल पे देखने को मिला। तो अगर आपकी कोई भी लॉन्ग पोजीशन है तो 390 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप इस पोजीशन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ट्रेडिंग पोजीशन है तो भी आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लगा के इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। पर यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप और भी लंबे टारगेट यहाँ खेल सकते हैं। यहाँ से भी 10 से 15% के टारगेट आने की उम्मीद साफ दर्शाई जा सकती है। 450 से 460 रुपए तक के जो लेवल है आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं नियर टर्म में। वहीं बात करें अगर दूसरे स्टॉक की, तो दूसरे स्टॉक का नाम है एक्सिस बैंक और आपको सेम आईसीसी बैंक की तरह ही पैटर्न आपको यहां पे भी देखने को मिलेगा। कल के दिन यहां पे भी एक शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला, अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जहां पे स्टॉक अटक रहा था लगभग 480 482 का वो लेवल था, जिसके पार जाके कल इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। तो ये भी एक आपके लिए अच्छा खासा कैंडिडेट हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए भी, और साथ ही साथ शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न आपको अगले हफ्ते देता हुआ दिखाई दे सकता है। इसका 200 डीएमए जो लेवल आ रहा है लगभग 550 रुपए के आसपास का है, तो कहीं ना कहीं अभी 509 रुपए का प्राइस चलता हुआ दिख रहा है। तो यहां से भी लगभग 10 से 15% की तेजी, यानी कि 550 से 600 रुपए तक का लेवल आपको नियर टर्म में दिखा सकता है। और इसमें भी आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े गैप बने हुए थे, जिस तरीके से अब 31 अगस्त के दिन मॉरिटोरियम का लास्ट डेट है और उसकी एक्सटेंशन की कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ पे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, तो उसका जो सीधा सीधा पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो बैंकिंग स्टॉक्स पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ से बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मूव आगे के डायरेक्शन देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जिस तरीके से ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दिया है, 2 बार बड़े रेजिस्टेंस लगते हुए दिखाई दिया और उसके बाद फाइनल जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, आपको और भी बड़े लेवल जो है पास में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपकी कोई पोजिशन है तो 480 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप अपनी इस पोजिशन को भी होल्ड कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें तीसरे स्टॉक की, तो तीसरे स्टॉक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। दोस्तों ये भी एक दिग्गज स्टॉक है और इस स्टॉक का पोर्टफोलियो में होना मस्ट होता है। अगर आप कोई लंबे टर्म के लिए अगर अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आपके स्टॉक
आपके लिस्ट में ये दिग्गज स्टॉक होगा तो जबरदस्त आपको रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि तो लॉन्ग टर्म के जब भी चार्ट आप इसके देखेंगे तो आपको ये एक बुलिश मोमेंटम में काम काज करता हुआ दिखाई देगा। ये स्टॉक भी कहीं ना कहीं 1400 से 1440 की रेंज में अच्छा खासा कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा था, और पिछले 3-4 महीनों की अगर हम बात करें तो 1400 रुपये के आसपास इसकी अच्छी खासी रेजिस्टेंस लगती हुई दिखाई दे रही थी। पिछले हफ्ते इस स्टॉक ने 1400 के लेवल को पार भी किया और फाइनली अब इस स्टॉक ने अपने 200 DMA के लेवल को भी पार कर लिया। 1446 के आसपास इसका 200 DMA लेवल है और कल की जो क्लोजिंग हुई लगभग 1467 रुपये, यानी कि उसके 20 रुपये ऊपर होती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सिग्नल है कि यहाँ पर आपको इस स्टॉक में फिर से बुलिश मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई दे सकता है। और छोटे स्टॉक से बाकी स्टॉक्स की तुलना में आप देखेंगे तो यहाँ पर रिकवरी जो है वो शार्प होती हुई दिखाई देगी। अच्छे स्टॉक्स की प्रॉपर्टी यही होती है कि अगर मार्केट में गिरावट आएगी तो गिरने में वो पहले बाद में गिरेगा, और रिकवरी की बारी आएगी तो रिकवरी में वो पहले चलने की कोशिश करता है। तो दोस्तों आपको यहां पे ये सारी चीजों को ध्यान रखना होगा। रही बात स्टॉप लॉस की, तो पिछले 2-3 दिनों से आपने देखा 1400 रुपये के आसपास ये स्टॉक जो जहाँ पे इसको रेजिस्टेंस लग रहा था वहीं इस स्टॉक को बेस बनता हुआ दिखाई दिया। और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी एक गिरावट देखने को मिली थी मॉर्निंग में, 1400-1401 के आसपास इसने लो बनाया और उसके लोएस्ट लेवल से शानदार रिकवरी देखने मिली और दिन के हाईएस्ट पॉइंट पे बंद होता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं 1400 के आसपास है स्टॉप लॉस लगा के अपनी लॉन्ग पोजिशन आप होल्ड कर सकते हैं अगर आपकी ट्रेडिंग पोजिशन है, और अगर आपके स्टॉक ये इन्वेस्टमेंट के लिए है तो आप इसको और भी लॉन्ग समय के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। RSI पे भी अगर हम बात करें तो 66 के आसपास इसका RSI पे लेवल चलता हुआ दिख रहा है, तो कोई खास अभी ओवरबॉट लेवल अभी ये है नहीं, और भी अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ देखने को मिल सकता है। 1500 से 1550 रुपए तक के जो टारगेट है वो आपको यहाँ पे नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं, यानी कि यहाँ से भी आपको 50 से 100 रुपए की अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। MACD के लेवल पे बात करें तो 3-4 दिन पहले यहाँ पे एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर जो है यहाँ देखने को मिल रहा है, और लगातार पिछले 3-4 महीनों से स्टॉक एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था, यानी कि नीचे की तरफ 1200-1250 की लेवल और अप साइड में 1400-1500 पॉइंट की रेंज में ही ये स्टॉक कहीं ना कहीं कामकाज करता हुआ दिख रहा था। तो अब एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है 200 डीएमए के लेवल के पार, अब 20 डीएमए और 50 डीएमए की अगर लाइन भी 200 डीएमए को धीरे से करके क्रॉस करेगी तो यहां पे जो इसका ट्रेंड है वो फिर से कहीं ना कहीं बदलता हुआ दिखाई देगा, और आपको फिर से बहुत ही जल्द मार्केट का मोमेंट अगर इसी तरीके से रहा तो आपको वापस इसके पुराने हाईएस्ट लेवल जो कि 1700-1740 के आसपास थे वहां तक भी ये स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। लॉन्ग टर्म की तो आप बात छोड़ दीजिए, लॉन्ग टर्म में तो आपको ये स्टॉक मल्टीबैगर की तरह ही कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। लॉन्ग टर्म चार्ट अगर आप इसके देखेंगे तो आपको कहीं पे भी यहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा कि यहां पे आपको ज्यादा बड़ी गिरावट आई है, और जब कभी भी कोई बड़ी गिरावट हुई है वहां से मोमेंटम बहुत जबरदस्त आता हुआ दिखा है और अच्छे खासे रिटर्न हमेशा बनते हुए दिखाई दिए। तो ये स्टॉक लगातार हायर हाई हायर लोस के फॉर्मेशन पे चल रहा है, तो आपको ये देखना होगा कि क्या आपकी एंट्री यहां पे सही समय पे हुई है, और जिसके पास नीचे के प्राइस की एंट्री पड़ी हुई है उसके लिए तो और भी अच्छी चीज है कि यहाँ पे उसको बहुत ही अच्छे रिटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।